हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो दोपहर के 11 बजने को आया है और वैसे एज यूजुअल जो हमारा सुबह का रूटीन होता है वो कंप्लीट हो गया और फिर सब लोग फ्रेश हो गए, क्योंकि सुबह सुबह है ना थोड़ी भागदौड़ हो जाती है कि उनका स्कूल, साथ में नाश्ता, फिर चिराग को जाना होता है, सब कुछ एक साथ में होता है, फिर कियान का कुछ अलग ही मूड होता है रोज़, तो थोड़ा लेट हो जाता है उसी हिसाब से फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बाकी तो आपको पता ही है कि सुबह सुबह हमारा नाश्ता, आज तो वैसे हमने भाखरी और केवड़ा का अचार और साथ में बूंदा का अचार वो सब कुछ खाया, बहुत मज़ा आ गया। और अभी मैं है ना ये कियान की ड्रेस निकाल रही थी, तो कल ये पहनने वाला है क्योंकि कल उसके स्कूल में नवरात्रि का प्रोग्राम है, कल है 10 तारीख आई थिंक, हाँ तो कल तो हमारी सोसाइटी में भी होगा शायद शाम को, देखते अभी सोसाइटी जा पाते कि नहीं। अभी 2 दिन से हम सामने वाली सोसाइटी में गरबा खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आ रहा है, पर वैसे म्यूज़िक होता है ना तो मैं स्टेटस डालती हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, या तो गरबा खेल पाती हूँ या तो वीडियो बना पाती हूँ, दोनों में से एक ही काम है। और भाई चिराग के बर्थडे की गिफ्ट उसी दिन रात को खोल दी थी पर वो वीडियो रखना भूल गई थी मैं, तो आज रख रही हूँ, आप देख लो। चिराग को बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी गिफ्ट मिली थी, सबको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद, गिफ्ट बहुत ही अच्छी है और सारी गिफ्ट हमें पसंद आई, आप देख लो कि सब ने हमें क्या क्या दिया है। चिराग भाई की ओर से आगे कॉफी के कप है, पूरा फुल दिखाओ, पूरा फैट नहीं है, फुल का बढ़ेगा, दिखाओ। चलो भाई चिराग की बर्थडे की गिफ्ट खोल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट आती है ना वो चिराग के लिए अभी आ गई है। अच्छे है वैसे, नाइस, क्या टूटे नहीं बेटा, आराम थी मर दिख रो ये जो थे को कुछ थे कि नाइस वन एकदम कॉफी के टॉप है। थैंक यू चिराग भाई, दारा भाभी, थैंक यू, नाइस। दूसरा नंबर ये आएगा, अच्छा है चिराग, ध्यान ना मुको हमरा भाई आओ, हमरा ऊपर सूच है, नाम नहीं लिखा ये हमारे सोसाइटी वाले ग्रुप का है चिराग। ओके मम्मी, तुम्हारो ना तुम्हारो हाथ में प्रणव भाई और रिवे पिंकेश भाई, खोलो खोलो जल्दी, यहाँ पे कियान किसी और का गिफ्ट खोल रहा है, ये किसका गिफ्ट है? मेरा, डैडी को दिखाओ, डैडी के पास बैठ जाओ। इसने तुम्हारे खाने के लिए बीच ले दिया शायद, मुझे देखता हूँ, बताओगे उसमें? खोलो चलो, हाँ मैं दे रही हूँ, हटो 2 मिनट, हट जाओ, देखने दो मुझे, डैडी के पास बैठ जाओ, खींच लो पूरा। ओके चलो बढ़िया वाला निक्स भी आ गई है, कियान के लिए बॉल भी आ गया, ठीक है। ओके अभी ये लेबल भी क्यों कर दिए कियान ने, ये मितुल भाई का है शायद, हाँ कियान डैडी के पास बैठ जाओ, वो टूट जाएगा बिट्टू, टूट जाएगा, चल वो ले लो, ज्यादा पास है, हम ये ले लो, ओहो इसमें तो परफ्यूम आ गया, वाओ चिराग का फेवरेट, अभी कियान दे दो, बोलो डैडी को दो, वो डैडी को दो, खोलेंगे डैडी ना, वो जल्दी दो, वो दे दो, चलो खोल लिया, बुलाओ और एक गिफ्ट खोलने की बाकी है चिराग, मेरी गिफ्ट आपने बोला था कि क्या दोगे, तो मेरी गिफ्ट आपको 1 महीने के बाद मिलेगी, 1 महीने बाद कुछ तो ऐसा होगा, 1 महीने बाद वो, ये किसने दिया है? हाँ सारू तू खोल, बस तू खोल, तू खोल, तू खोल, तू खोल, ना तमे ना करो, इन्हें खोलवा दो, तू खोल, ओके, वाओ किया ने चिराग, तमे ना करो, इन्हें करवा दो, करो, वाओ किया ने गिफ्ट ओपन कर दिया, क्या है दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे क्या है उसमें,
જી ખોલ બેટા અહીંયાથી આખું ખોલ ખોલવાનું છે જો અહીંયાથી ખોલો જલ્દી ખોલો દિખાવ तो ये मयूरी भाभी की गिफ्ट खुल रही है. भाभी बोल रहे थे कि कुछ यूनिक गिफ्ट है मेरी. क्या छोटी वाली गिफ्ट दे दो कियान को. छोटी वाली गिफ्ट दो ना बा के हाथ में ले लो. दिख गया मुझे. नाइस वन. अच्छी है बहुत अच्छी है. दिख गई मुझे. पीकॉक है कियान उसमें देख लो. पीकॉक ये रहा. वाह नाइस वन. दिखाओ मुझे इधर. दिखाओ इधर करो मामा के साथ. वाह पीकॉक वेरी नाइस. बहुत ही ब्यूटीफुल है. कितना मस्त लग रहा है चिराग है ना. अच्छा लग रहा है ना. कहाँ लगाएंगे कियान. कहाँ लगाएंगे इसको. कहाँ लगाएंगे हम. लगाएंगे कहाँ. इधर कहाँ लगाएंगे हम. किचन में. ओ ओ किचन में लगाएंगे. व्हाट इज दिस कियान. आ रूम में सो के भाई. आने आने लिविंग रूम. ત્યાં મૂકીશુ. જમવાનું ક્યાં બને. ત્યાં મૂકવાનું. ઓકે તો સબકી ગિફ્ટ બહુ હી અચ્છી અચ્છી આઈ થી. તો ચિરાગ થોડા ઇધર આ જાઓ ઓર સબકો થેન્ક યુ બોલ દો. સબને આપકો ઇતની અચ્છી ગિફ્ટ આપકે બર્થડે પે દી. ઓકે ચલો ચલતે હૈ બહાર. મમ્મી પાપા ક્યા કર રહે હૈ વો ભી દેખ લેતે હૈ. हेलो मम्मी और पापा दोनों बैठे हैं यहाँ पे. गुड मॉर्निंग मम्मी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पापा. तो मम्मी क्या हाल चाल है आज का. आज का तो ताजा समाचार. तिल तिल है वो बाहर रखे हैं दोपहर में साफ कर देंगे. थोड़ी उसमें है. हाँ छोटी छोटी है. उसमें हमने डाले थे ना फलाफल में तब क्लीन कर रहे थे. मम्मी लोगों की कमेंट आ रही है कि कल या परसों आपने बोला था कि वो सोने जैसा बना देते हैं गहना. वो आपको पता है कौन बनाता है. पता है. एड्रेस देना चाहोगे आप. एड्रेस देंगी तुमको. आंबा तालाब है ना सूरत में. हाँ वहाँ पटेल समाज की बाड़ी है. हाँ सौराष्ट्र पटेल समाज. तुम्हारी शादी हुई थी. हाँ 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 हाँ. उसके सामने एवलन बिल्डिंग है. हाँ इसमें सब शॉपिंग ही है सब. अच्छा उसमें नैमिनाथ करी ने एक ज्वेलरी स्टोर से. हाँ वहाँ पे बनाते हैं. गोल्ड जैसा ही बना देते हैं. तुम पहचान भी नहीं पाओगी कि जैसा आप फोटो दिखाओगे वैसा भी डिजाइन बना. जैसा फोटो आप कल्याण ज्वेलर्स कातिला ज्वेलर्स दागिना वाला ज्वेलर्स जो सब कोई भी दो. कोई भी आप डिजाइन दो ना उसका फोटो सिर्फ उसको दो ना तो सेम उसको वो बना. आपने बनवाया है कुछ वहाँ से. मैंने दो माला ली थी उसके ऊपर मैंने देखे थे सबसे. मेरे तो कोई जरूरत नहीं है तो मैंने लिया नहीं. अभी है नहीं ना आपके पास. यहाँ पे पड़े होंगे वरना दिखा देते हैं. 35,000, 32,000, 40,000, 60,000 जैसा सेट आपका. आपको कोई बता ही नहीं सकता कि ये नकली है. अच्छा रियल जैसा ही लगता है. सेम टू सेम. पर वैसे थोड़ा महंगा पड़ता है. वो तो अपनी डिजाइन अपने हिसाब से करेंगे. वो मजूरी में सब जो आप हम 20 तोला का हार लेने जाएंगे. हाँ. वो 20 तोला का उसके पास बनवाएंगे तो 1,00,000 रुपये में तो हो जाएगा. वही मतलब उतना तो महंगा होगा ही. तो सबसे सस्ता तो नहीं होगा पर थोड़ा तो महंगा. लेकिन सोना जैसा चाहिए तो गहना सोना इतना महंगा हो गया है. हाँ. तो किसी को छाप में रखने के लिए भी चाहिए ना वो सेट तो वो बनवा सकता है. उसका 1,00,000 रुपये में काम हो जाता है. तो वो क्या क्या गारंटी भी लेता है कि कभी ऊपर सोने का डल नहीं होगा. उतरेगा मतलब उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा के देते हैं. ओके तो सोना चांदी दोनों करते. सिर्फ सोना. सिर्फ चांदी. सिर्फ चांदी. हाँ. कि सिर्फ सोना. चांदी 9 to 5 सिल्वर में बनाते हैं पूरा सेट. उसके ऊपर सोने का ब्लेड चढ़ा हुआ होता है. लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि गोल्ड का है या सिल्वर का है. अच्छा
हाँ, तो जिसने भी कमेंट करी थी, आप लोगों को अगर जाना है तो मम्मी ने पूरा एड्रेस दे दिया है, आप वहाँ जा सकते हो और अपने गहने बनवा सकते हो। अगर बनवा के आ रहे हो तो भी कमेंट करना कि नहीं हम बनवा के आ गए हैं ना मम्मी। तो चलो आज मम्मी और पापा का दोनों का प्लान तो ये है कि ये स्टील साफ करे हैं दोपहर तक, पर दोपहर के बाद ही होगा क्योंकि फिर अभी तो देखो कियान आ जाएगा थोड़ी देर में, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, कियान सो जाएगा बाद में, क्योंकि कियान को है ना साथ साथ में सब काम करने के लिए बैठना पड़ता है, उसको ज़रूरी है क्योंकि बाहर दादा जो करेगा करेंगे वो उसको करना ही करना है, उसको मज़ा भी आता है, कोई बात नहीं। चलो अभी आज का दिन की शुरुआत करते हैं, कियान को लेने के लिए बाहर दादा ही जाएंगे, वो बोलता है दादा दादी आएंगे, सबको बोलता भी होगा मेरे दादी आएंगे, दादी आ गई है, दादी आ गई है, वो बैग वो पकड़े हुए ना मोटा मना क्या वैसे हम मैं है ना सबसे पहले ही उसको लेने जाती हूँ, कभी कभार 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है ना तो वो रोने लगता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स पहले आ जाता है ना तो फिर कियान को ऐसा लगता है कि मुझे लेने नहीं आए, तो वो पहले निकलता है ना तो उसको बहुत खुशी होती है, तो वो सबको बोल के निकलता है देखो मेरी मम्मा आ गई, देखो मेरी मम्मा आ गई, तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीजों में इतनी खुशी मिलती है कि बात ही मत पूछो। आज मेरे को बोल के गया है दादा को साथ में नहीं लाना, क्यों क्यों पता नहीं आप अकेले आना। मैं इसीलिए आप दोनों को बोल रही हूँ क्योंकि धूप बहुत है ना मम्मी, तो बीच में बैठ जाएगा मुझे पता है, मैं रोज लाती हूँ ना तो उसको उल्टा करके उसके एक कान पे मैं हाथ रखती हूँ और धीरे धीरे आती हूँ, पर आप दोनों हो गए ना तो वो बीच में बैठ जाएगा, और ये धूप है ना अभी बहुत वो जलने लगे ना ऐसी धूप है, तो इसको इसकी वजह से हाँ ये धूप बहुत खराब होती है, तीन रूम में धूप आती है पर अभी तक चली जाती भी है, देखो सुबह सुबह में आ जाती है तो हाँ एकदम तप जाता है, हाँ वो अच्छा है, पर और ज्यादा वो धूप दोपहर के बाद की होती है ना वो खराब होती है, वो नहीं आती, सुबह वाली आती है तो अच्छा है। अभी कहाँ आती है, अभी तो बंद हो गई ना, सामने बिल्डिंग बंद गई हाँ, लेकिन 9 बजे आती है तो 1 बजे चली जाती है, वरना तो अंदर तक आती थी पहले है ना पूरे घर में, हाँ अभी तो सामने बिल्डिंग आ गई तो धूप नहीं आती होगी, ऊपर आती होगी शायद, ऊपर भी नहीं आती, पूरा पैक हो गया, तो 8-9 बजे के बाद ही आती है, तो पहले 7 बजे हाँ पूरे घर में चाय हमारे यहाँ आती है वैसे ही धूप में ही करते हैं, तो ये अच्छा है सुबह सुबह धूप लेनी चाहिए, अच्छी बात है कि हमें पता है हम फरीदाबाद रहते थे ना तो हमारे घर में धूप ही नहीं आती थी, तो धूप को देख के हम खुश होते हैं क्योंकि हम बिना धूप के रहते थे ना, तो अभी ममता भाभी के घर पे वही है, तो वो बोल रहे हैं मुझे धूप वाला घर लेना है, तो वो लोग चेंज करने वाले हैं दिवाली तक का, क्योंकि धूप तो चाहिए उनको, तो बहुत ठंड लगती है, अभी जैसे ही ठंड शुरू होगी ना तो सबकी हालत ख़राब होने वाली है, कोई नहीं। चलो खाने में बन गया गवारफली की सब्जी और रोटी, सुबह सुबह बना दिया था, चिराग कहाँ सॉरी कियान लेके गया है टिफिन में, तो साथ साथ में वो भी बन गया था, चिराग ऑफिस चले गया है, टिफिन लेके तो जाते नहीं है, ऑफिस में ही खाना खा लेते हैं, और आप सब लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या बनाया किसने बना के दिया, ओ बाप रे ये तो डायनासोर है, क्या रे स्कूल में हाँ क्या घुसी गये थे तू, हाँ तो शूज पहरी के मंदिर आई गयो, चल बाहर तो गुस्से थे गयो तो स्कूल में कोना थी कोना थी केम आ चल बाहर काट शूज, केम गुस्से थे गयो तो तू कई मने है तो शू थयो तू तो एमज गुस्से थे गयो था हवे शू करवानू छे, हैं कपड़ा चेंज करवाना छे, लंच बॉक्स फिनिश करू, देखो यार चोर पुलिस खेला जा रहा है, ज्ञान पुलिस बनाए और बा और दादा दोनों को चोर बना दिया, मैं भाग जाऊंगी, लॉक कर दो ज्ञान जेल में, जल्दी लॉक कर दो, भाग जाएंगे, देखो भागे दोनों भागे दोनों भागे दोनों भाग गए, पकड़ो जल्दी।
दूसरे चोर को पकड़ के जीप में रहना। और मैं आ रही हूँ बचाने, छोड़ दो पुलिस को, छोड़ दो जल्दी पुलिस को, छोड़ दो। देखो भाग गए चोर, भाग गए जल्दी, धीरे धीरे। चलो भाई क्या का, तो ये अभी आ गया स्कूल से, तो अभी रात तक यही धमाल मचेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आपको अगर ज्वेलरी लेनी है तो मम्मी ने बोला वहाँ जाओ और चेक कर लो, कोई ऐसे पेड प्रमोशन नहीं है। मम्मी जहाँ गए थे देखा तभी आपको बोला है, किसी ने बोला था इसलिए, पर आप जा सकते हो, मैं भी नहीं गई हूँ। ऐसा होगा तो मैं सूरज जाऊँगी, तो एक बार वहाँ पे चक्कर लगाएंगे, देखते क्या है कैसा है।